नमस्कार, मैं हूं करिश्मा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आईएनएस न्यूज प्लस। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। महिला सुरक्षा को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। राजस्थान में जहां बीजेपी ने 12 में हुए दुष्कर्म को लेकर हल्ला बोला, तो वहीं कांग्रेस ने हाथरस कांड को लेकर किया प्रदर्शन। हाथरस कांड में पीड़ित के परिवार से मिलने आप सांसद संजय सिंह पहुंचे। परिवार से मिलने के बाद संजय सिंह और राखी बिड़लान पर फेंकी स्याही। संजय सिंह ने कहा, काली स्याही के पीछे काली करतूत है। पंजाब में राहुल गांधी ने लगातार दूसरे दिन कृषि बिल को लेकर भरी हुंकार। कहा, जीएसटी और नोटबंदी से छोटे दुकानदारों और व्यवसाय को खत्म किया और अब किसानों और श्रमिकों को खत्म कर रहे हैं। हाथरस कांड को लेकर राजनीति लगातार जारी है। आज पीड़ित परिवार से मिलने आपके नेता संजय सिंह उनके घर पहुंचे, लेकिन वहां पर उन पर काली स्याही फेंकी गई, जिसके बाद आपके कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हाथरस कांड को लेकर लगातार राजनीतिक हलचल जारी है। सोमवार को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। संजय सिंह ने मुलाकात के बाद कहा कि परिवार वाले डरे हुए हैं, पूरा गांव ही छावनी में तब्दील कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने सीबीआई जांच को लेकर भी सवाल उठाए। संजय सिंह जब परिवार से मुलाकात करने के बाद बाहर निकले, तो उन पर स्याही फेंकी गई। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। आम आदमी पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आप सांसद गांव के बाहर मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। इसी दौरान काली शर्ट पहने एक शख्स आता है और सांसद पर काली स्याही फेंक देता है। आरोपी ने स्याही फेंकने के बाद नारे भी लगाए। बता दें कि संजय सिंह और राखी बिड़लान 5 लोगों की डेलीगेशन के साथ पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, INS टीम। हाथरस कांड को लेकर लगातार आक्रामक रूप दिखा रही कांग्रेस के खिलाफ राजस्थान में आज बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। जयपुर समेत राजस्थान के कई मुख्यालयों पर बीजेपी का कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल का आयोजन किया। जयपुर में बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास की तरफ कूच किया, लेकिन रास्ते में ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बीजेपी कांग्रेस दोनों सड़कों पर है। दोनों ही पार्टी महिलाओं अपराधों के खिलाफ विरोध कर रही है। फर्क बस इतना है कि बीजेपी राजस्थान में बढ़ रहे महिलाओं को लेकर प्रदर्शन कर रही है, जबकि कांग्रेस उत्तर प्रदेश के हाथरस की घटना के विरोध में धरने पर है। जयपुर में बीजेपी के धरने प्रदर्शन के दौरान एक बारगी तो पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। पुलिस ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया को हिरासत में लिया है। वहीं बीजेपी की एक टीम ने राजस्थान के बारा पहुंचकर पीड़ित के परिवार संग मुलाकात भी की। बता दें कि राजस्थान के बारा जिले में दो नाबालिग लड़कियों का अपहरण के बाद कथित दुष्कर्म के मामले को लेकर जयपुर में बीजेपी के कई नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने धरना देकर अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, INS टीवी। किसान बिल के विरोध में पंजाब में आज खेती बचाओ यात्रा का दूसरा दिन है। राहुल गांधी ने संगरूर समेत कई अन्य जगहों से रैली निकाली। आज उनके साथ कांग्रेस के कई बड़े नेता भी मंच पर दिखे। देखिए पूरी रिपोर्ट। पंजाब में खेती बचाओ यात्रा का आज दूसरा दिन है। राहुल गांधी की आज संगरूर, भवानीगढ़ और समाना में रैली है। सोमवार सुबह 11 बजे संगरूर के बरनाला चौक पर राहुल गांधी का स्वागत किया गया। काफी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लेकर राहुल का स्वागत किया। दोपहर 12 बजे राहुल गांधी भवानीगढ़ में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल के साथ मंच पर कैप्टन अमरिंदर सिंह, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, सुनील जाखड़ समेत पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद थे। मोदी सरकार के कृषि कानून के खिलाफ किसानों के समर्थन में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की खेती बचाव यात्रा का आज दूसरा दिन। राहुल गांधी ने पंजाब के मोगा से खेती बचाओ यात्रा की शुरुआत की। इससे पहले पंजाब के मोगा में खेती बचाओ यात्रा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि अगर सरकार को ये बिल पास करना ही था तो सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा करनी चाहिए थी। ब्यूरो रिपोर्ट, INS टीवी। कर्नाटक और दिल्ली में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई चल रही है। कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार के कई ठिकानों पर सीबीआई ने आज छापेमारी की। देखें पूरी रिपोर्ट। कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार और उनके भाई और सांसद डीके सुरेश के 15 से ज्यादा प्रॉपर्टी पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है।
सीबीआई की टीम ने डीके शिवकुमार के बंगलुरु वाले घर में छापा मारा है। साथ ही उनके दिल्ली वाले घर पर भी सीबीआई की रेड पड़ी। ये छापेमारी सोमवार सुबह 6 बजे शुरू हुई। ये छापेमारी सीबीआई द्वारा दर्ज केस के बाद हुई है। सीबीआई ने ईडी के इनपुट के आधार पर शिवकुमार के खिलाफ केस दर्ज किया था। अब उसी के बाद छापेमारी चल रही है। कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने सीबीआई छापेमारी की निंदा की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी ने हमेशा से ही प्रतिशोध की राजनीति और जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनएस टीवी। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के हिंदूराव अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ हड़ताल पर चले गए हैं। कई महीनों से वेतन ना मिलने से नाराज होकर डॉक्टर्स और स्टाफ ने फैसला किया है कि वो सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। देखें पूरी रिपोर्ट और उनकी मांग क्या है, ये भी जानें। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के हिंदूराव अस्पताल के डॉक्टरों और स्टाफ ने कई महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज होकर सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का फैसला किया है। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहेंगी। पिछले हफ्ते कर्मचारी सुबह 9 बजे से 12 बजे तक पेन डाउन स्ट्राइक यानी कि अस्पताल आकर काम नहीं करने पर थे। नागरिक निकाय के अनुसार मामले को देखा जा रहा है। अस्पतालों के डॉक्टरों और स्टाफ सदस्यों को जून से वेतन नहीं दिया गया है। डॉक्टरों और स्टाफ के मुताबिक इतने समय से वेतन नहीं मिलने के कारण बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताली डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना योद्धा के तौर पर सम्मान तो मिला है, लेकिन वेतन के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनएस टीवी। तो आज के बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।